Good morning everyone and a very warm welcome back to all your learners on the law prep tutorials daily news analysis how are you all i hope that you all are doing really great this morning and uh, first of all i want to tell all of you that uh, the week the dna sessions from 23rd to the 31st all the topics which were important from that point of view will be added like today also we have added plenty of the topics in the same pursuit. Here is the due credit which is given to all the newspapers and the journalist sources of both internet, print, and digital media. You can reach out in the comment sessions. You can also very well reach out to us on Telegram or WhatsApp. Here are the uh, list of the topics that we are going to discuss in today's class. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यू नीड टू नो अबाउट द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी राइट वेरी इंपॉर्टेंट आई स्टे इट इज फाइव स्टार दैट टॉपिक वॉज इन द न्यूज ऑन द ट्वेंटी फोर्थ इन ट्वेंटी सेवेंथ इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू राइट एंड अगेन आई एम ब्रिंगिंग एंड आई एम टेलिंग यू डोंट वरी दैट यू विल बी थिंकिंग दैट ओके ट्वेंटी थर्ड से लेकर के थर्टी फर्स्ट का जो ये एक वीक का डी एन ए सेशन था हमारा

चेंज कर दिया गया है ठीक है ना सो so, पाकिस्तान को रिमूव किया गया है एफईटीएफ के ग्रे लिस्ट सेवस ऑन चिल्ड्रन सो यूनिसेफ द स्टडीज द हीट वेव एंड हाउ दे आर इम्पैक्टिंग द चिल्ड्रन एंड हाउ इट इज इम्पैक्टिंग दियर हेल्थ एंड लर्निंग आउटकम एम्प्लॉयबिलिटी आउटकम ह्यूमन रिसोर्स आउटकम यूनिसेफ इज टॉकिंग अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट एंड वी विल है इनसाइट ऑन द सेम Evolutions of the coinage system in India. See that uh, some facts are also important in this article, and I have brought it from the 28th of this month, 28th of October, right? So, need not worry about it. फिर पार्लियामेंट में विमेन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एक इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल है दोस्तों इसको भी हम यहाँ पे जानेंगे और आज सीखने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पे अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट एक दो दिवसीय चिंतन शिविर हुआ है होम मिनिस्ट्री ने और काफी अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने काफी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हैं उसमें से एक पॉइंट ये सामने आया कि काफी स्टेट्स के अंदर अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एन का ऑफिस खुलने वाला है दो से तो इसके अलावा भी काफी सारे इंपॉर्टेंट

a law prep tutorial telegram channel on on the link is given in the videos description and it is also pinned in the live comments it is also pinned in the live comment so you need not worry on the same you need not worry on the same and at the same time you need to go and download the PDF after this class because now time is less we will invest more time in understanding and revising and less time on basically जॉटिंग डाउन द थिंग्स ऑल राइट आई होप दैट यू ऑल आर क्लियर ऑन दैट गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जस्ट राइट वंस अगेन दैट यस यू ऑल आर रेडी विद पेन एंड पेपर जस्ट कीप राइटिंग समथिंग क्योंकि जब हम चीज़ें लिखते चलते हैं ना क्लास के साथ साथ में तो बहुत ही बेहतरीन हो जाती है हमारी तैयारी दस बार बोलना एक बार लिखना बराबर है दोस्तों है ना तो आप लोग साथ में लिखते चलेंगे सभी साथियों से दरख्वास्त रहेगी मेरी आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू then uh, we are talking about the internationalization of rupee we are talking about internationalization of rupee पहला टॉपिक है आपके पास में अभी RBI के डेप्यूटी गवर्नर ने

सकता है ए आई के अंदर स्लैट के अंदर और क्लैट के अंदर आइए इसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों राइट right? सो द नेक्स्ट इन द लाइन इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपीज के ऊपर अगर मैं बात करूं आपके पास में सबसे पहले कहा गया कि इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है जब भी आप अपनी लोकल करेंसी को जैसे हमारी लोकल करेंसी क्या हो गई रुपी जब भी आप लोकल करेंसी को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में यूज़ करते हैं म्यांमार से कुछ खरीदा यूएसए से कुछ खरीदा चाइना से यूरोप से या रशिया से मैंने कुछ खरीदा अगर मैं वो ट्रांजेक्शन रूपीज में करने लग जाता हूं मेरी लोकल करेंसी में करने लग जाता हूं दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी है ना उसका रुपी का अंतरराष्ट्रीयकरण करना मैं आप सबसे जानना चाहूंगा सबसे पहले क्या आपको मेरा ऑडियो एकदम क्लियर आ रहा है इज माई वॉइस ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू आस्था आदर्श तन्मय संगीता स्नैपशॉट समीर ऑल ऑफ यू एक बार देखो कमेंट करके बता दो क्योंकि माइक थोड़ा सा नया है इस बार सो अगर ये क्लियर है तो फिर हम हाँ चलो फिर ठीक है फिर ठीक है चलिए तो यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई है कि यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं वॉट यू आर जो भी आप बाहर से चीज़ें खरीद रहे हैं या फिर इंडिया जो बाहर के देशों को चीज़ें बेच रहा है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स के अंदर आप रुपी को सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं प्रमोट कर रहे हैं देन अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन फॉलोड बाय द यूज़ इन द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन सबसे पहले याद रखने की कोशिश करना एज़ पार द रुपी इज कंसर्न रुपी जो है फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं इट इज़ फुल्ली कन्वर्टेबल इन द ओनली इन द करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के अंदर ये सिर्फ पार्शली कन्वर्टेबल होता है अब यहाँ पे दो चीज़ें जाननी है करंट अकाउंट क्या है और कैपिटल अकाउंट क्या है कैपिटल अकाउंट क्या है तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट से अकाउंट है दो कंपोनेंट है इन दोनों को मिला के ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है इन दोनों को ही हम जब भी कहते हैं ना कि भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई है श्रीलंका में Uh, म्यांमार में बांग्लादेश में पाकिस्तान में इंडिया में तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है कि सर जो करंट अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है जो कंट्री मेंटेन करती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वह कहीं ना कहीं जो है इन फेवरेबल है वह कहीं ना कहीं फेवर में नहीं है वह निगेटिव में चला गया है एंड देट इज़ वाई जो बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं हो रहा है मतलब दुनिया से जो हम सौ रुपए का, का सामान ले रहे हैं वी आर नॉट एबल टू पे देम इवन द फिफ्टी रुपीज़ है ना तो उस वक्त जब हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस मतलब वो निगेटिव में चला जाए बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए हमारा है ना जितना खरीद रहे हैं उसे ज्यादा ही हम बेचें तो वो पॉजिटिव में है तो हमारे पास में करेंसी रिजर्व रहेगा आइए जानते हैं करंट और कैपिटल अकाउंट दो कंपोनेंट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के यहाँ पे जो करंट अकाउंट होता है ना दोस्तों वह डील करता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो हम करते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज का तो उसका सारा लेखा जो का हम लोग किस में लिखते हैं करंट अकाउंट के अंदर लिखते हैं तो सर कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर जब भी आप कैपिटल धन इन्वेस्टमेंट मनी की बात करते हैं कैपिटल लोन वगैरह आप कोई ले रहे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे कोई एफडीआई वगैरह आ रहा है कोई एफपीआई आ रहा है कोई ट्रांजेक्शन जो बड़ा सा आपके पास में इन्वेस्टमेंट की फॉर्मेट में आ रहा है जो क्रॉस बॉर्डर जैसे आ, कोई आदमी है जो यूएसए से इंडिया के अंदर मनी ट्रांसफर कर रहा है यूएसए से इंडिया के अंदर कोई एफ में निवेश कर रहा है या कोई इंडियन यूएसए के अंदर FDI में निवेश कर रहा है तो इस चीज का जो है डिस्क्रिप्शन कहां पे लिखूंगा मैं आई विल राइट इट इन द कैपिटल तो ये चीज समझ में आया एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहां लिख रहा हूं मैं करंट अकाउंट में और जो भी इन्वेस्टमेंट है जो भी लोन्स का ट्रांजेक्शन है मेरा वो कहां लिख रहा हूं मैं कैपिटल अकाउंट में तो यहां पे बता रहा है कि करंट अकाउंट जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की जा रही है वहां पर तो रूपी जो है वो फुल्ली ऑपरेशनल है कन्वर्ट किया जा सकता है बट जब मैं इन्वेस्टमेंट की जब मैं लोन्स की बात कर रहा हूं वहां पे रुपी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है पार्शियली कन्वर्ट है ठीक है ना तो यह पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था जानने के लिए तो जब भी मैं रुपीज़ को इंटरनेशनलाइज करूंगा तो प्लीज़ इस इस फोटो का आप जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ के क्या प्रोज एंड कॉन्स से क्योंकि यहां पे आपके पास में चार ऑप्शन में से ऐसा आ जाएगा वट इज़ द इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी देखिए ये टॉपिक तीन से चार बार अभी इस वीक के अंदर रिपीट हुआ है अलग अलग न्यूज़पेपर्स में और अलग अलग आ, आ, पार्ट में जैसे कभी फ्रंट पेज पे है कभी एडिटोरियल कभी टेक्स कंटेक्स में है तो कभी आइडियाज पेज पे भी आया है तो ये वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया दूसरा इसके इम्पैक्ट क्योंकि कई बार आ, जैसे ए आई लिट वाले एमएससी ईटी वाले में इंपैक्ट पूछा जाता है क्लैट के अंदर इसी के ऊपर पांच क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं सो प्रोस क्या हो गया आपके पास में सबसे ईजी तो सर हमारे पास में हो जाएगा कि सर जो मैं फॉरन ट्रेड कर रहा हूँ फॉरेन ट्रेड कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल हो जाएगा क्योंकि जब मेरा रुपी ही डॉलर के बराबर बैठ जाएगा रुपी डॉलर के बराबर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में काम करेगा तो मेरे को ट्रेड करने के लिए अब डॉलर की आवश्यकता नहीं है फॉरन ट्रेड बहुत ही ईजी कर पाऊंगा मैं राइट और जो कैपिटल फ्लो होगा वो बहुत ही ईजी होगा फॉरेनर अगर कोई इंडिया में डॉलर भेजता है फिर वो रुपी में कन्वर्ट होता है फिर वो हमारी मिनिस्ट्रीज को हमारी गवर्नमेंट को या कंपनीज को मिलता है तो अगर वो रुपीज के अंदर ही वहां पे एक्सेप्ट कर रहा है रुपीज ही वो वापस सेंड भी कर रहा है तो एक तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कैपिटल फ्लो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और कई बार क्या है हमारे पास में डॉलर स्ट्रांग हो गया रुपी वीक हो गया इसके कारण क्या होता है एक्सचेंज रेट जो होती है वो फ्लोट होती है वो चेंज होती रहती है ठीक है ना हम कहते हैं ना रुपी गिर रहा है वो रुपी नहीं गिर रहा होता है वो कहीं ना कहीं आपके पास में रुपी का जो एक्सचेंज रेट है वह डॉलर के कंटेक्स में डॉलर के रेफरेंस में कम हो रहा होता है

कोई भी चीज तेल खरीद रहे हैं वो रूपी एक्सेप्ट कर रहा है हम कोई भी बेसिकली कंप्यूटर एक्सेसरीज खरीद रहे हैं वो रूपी में एक्सेप्ट कर रहा है हम कोई भी यहां पे कोल खरीद रहे हैं वो रूपी में एक्सेप्ट कर रहा है तो सर समस्या सॉल्व हो गई ना अब मैं क्यों डॉलर यूरो या पाउंड अपने पास में है? रखो दूसरे देश की करेंसी अपने पास में रखने की जरूरत नहीं तो यहां पे फॉरेक्स रिजर्व पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी क्या ये तीन पॉइंट आपके क्लियर हो गए तीन पॉइंट क्लियर हो गए यस सर फिर आपके पास में एक और चीज आ जाएगी कि सर अब इसके निगेटिव क्या है रिस्क क्या है सर रिस्क के अंदर एक और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आ जाएगा कि जो गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर के मॉनिटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति जो चलाती है यह मॉनिटरी पॉलिसी कॉम्प्लीकेट हो जाएगी यह क्या हो जाएगी दोस्तों यह मॉनिटरी पॉलिसी जो है आपकी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी कॉम्प्लिकेट मतलब आज की तारीख में जो स्टेटस को है वह फॉरेक्स रिजर्व को देख करके मेंटेन किया जाता है एक्सचेंज रेट की जो स्टेबिलिटी जो है वो भी एक तरीके से चैलेंज हो जाए क्योंकि एक्सचेंज रेट तो अपन रखेंगे नहीं उस वक्त वी विल नॉट वी नीड नॉट कन्वर्ट रुपी इंटू द डॉलर रुपीज को डॉलर में फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करने की ही जरूरत नहीं रह जाएगी तो एक्सचेंज रेट जो है वो कहीं कहीं हमारे लिए इलेवेंट रह जाएगी उसकी स्टेबिलिटी जो है उसके लिए भी एक चैलेंज रहेगा और तो और कहीं ना कहीं आपके पास में अनकंट्रोल्ड कैपिटल फ्लो भी आ सकता है अनकंट्रोल्ड कैपिटल फ्लो का क्या मतलब हुआ आज की तारीख में कोई भी इन्वेस्टमेंट है कोई भी लोन्स आ रहा है या भारत ले रहा है तो उसके वक्त तो बेसिकली क्या है FDIs के के ऊपर ऊपर क्या क्या करते हैं जब भी डॉलर का निवेश निवेश हो रहा है फॉरेन करेंसी से निवेश हो रहा, FDI, के आज की तारीख में है, तो कंट्रोल करके रखते हैं कंट्रोल करके रखते हैं परंतु फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि अभी हमको रुपी के अंदर ही पैसा आ रहा है फॉरेन निवेश भी इन्वेस्टमेंट भी रूपीज के अंदर ही आ रहा है Then, उसको रोकेंगे कैसे हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल दिस वन सो दिस इट सेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क है ना अनकंट्रोल्ड कैपिटल फ्लो एक्सचेंज रेट जो है अनस्टेबल हो जाएगी या मॉनिटरी पॉलिसी और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी तो ये इस तरीके से दोस्तों आप यहां पे याद रख सकते हैं आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ तो इस चीज को समझ लेना सार गर्भित जो मैं बात कह रहा हूं दोस्तों आपको वह तो है ये अब इसके ऊपर काफी सारी चीजें आ सकती हैं आपके पास में क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स वगैरह के बारे में बात कर सकता है हमें नीड क्या है नीड इसलिए है भैया कि आज की तारीख में जो डॉलर अकाउंट्स फॉर 83 परसेंट ऑफ द ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टर्नओवर है ना उसके बाद में है है यूरो फिर है येन, फिर येन है पाउंड है ना रुपी जो है इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ एक पॉइंट सात परसेंट लगभग डेढ़ परसेंट ही इंटरनेशनल मार्केट में रुपी यूज होता है जबकि आप देखने की कोशिश करेंगे तो एट्टी एट परसेंट क्या यूज हो रहा है आपका यूएसए का डॉलर यूज हो रहा है रूपी इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ ट्रेड में ट ही यूज हो रहा है तो यहां पे ये यह कह रहा है कि हमको पुश करने की आवश्यकता है कि हमारी करेंसी को थोड़ा और फर्दर पुश करें ताकि एक इंटरनेशनल टैग हमको मिले इंटरनेशनल करेंसी का टैग हमको मिले तो यहां पे डॉलर के केस में अगर बात की जाए तो यहाँ पे विच इज एन इंटरनेशनल करेंसी आज की तारीख में डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी कहा जाता है ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रेड में एट्टी एट परसेंट सारी ट्रेड किसमें होती है डॉलर्स में हो रही है है ना तो इससे फायदा किसको मिला इससे फायदा अमेरिका को मिला क्योंकि अमेरिका के तो घर की खेती है डॉलर वो चाहे जितना ना डॉलर छापे तो अगर सोचो अमेरिका को कोई पेमेंट क्राइसिस होता है तो क्या उसको कोई आई के पास में जाने की जरूरत है संगीता दर्श वैष्णवी अमन आस्था क्या वो कोई आई के पास जाएगा क्या वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा कि भैया मेरे को पैसा दे दो दस, द, 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 दस बिलियन डॉलर दे दो सौ बिलियन डॉलर दे दो नहीं कितना चाहिए ये लो छापा और दूसरे दिन मार्केट में भेज दिया तो कुल मिलाकर के डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है और उसकी एक बहुत ही जबरदस्त एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज मिलती है इम्यूनिटी मिलती है अमेरिका को कि अमेरिका में कभी भी मंदी आई कभी भी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई तो अमेरिका उसका पे कर सकता है है ना पे फॉर इट्स एक्सटर्नल डेफिसिट बाई इट्स ओन करेंसी वो अपनी करेंसी खुद छाप करके अपने फॉरेन लोन कंप्लीट कर सकता है अब आपको पता चला अमेरिका इतने युद्ध लड़ता है अमेरिका इतना बड़ा सोशल बेनिफिट देता है कोविड के अंदर मिलियंस मिलियंस ऑफ द रुपीज उन्होंने दे दिए अभी भी वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बराबर नहीं चल रहा है इंडस्ट्रीज बराबर नहीं चल रही पर फिर भी वो कंट्री कैसे सस्टेन कर रही है कैसे सस्टेन कर रही है वो कह रही है भैया आपको लोन लिया हुआ है डॉलर के अंदर तो आपको डॉलर में चुकाना होगा पर मेरा तो लोन डॉलर में ही और मेरी कर्ज भी डॉलर में ही है तो मेरे को कन्वर्ट करने की कहां जरूरत और हमारे यहां पे करेंसी जो छापी जाती है उसके एवज में कहीं कहीं आपके पास में में गोल्ड या या फॉरेक्स उसके एवज में कुछ न कुछ सामने होना जरूरी है है ना आरबीआई क्या कहती है आपके पास में कि अगर मैं सौ रुपए का नोट छाप रही हूं तो सौ रुपए का गोल्ड मेरे पास में रखा हुआ है तभी आरबीआई वो नोट प्रिंट कर पाती है जबकि इनको ऐसी कोई चीज की आवश्यकता नहीं है हमारे नोट के ऊपर क्या लिखा होता है करेंसी देखेंगे तो वी प्रॉमिस रुपीज ऐसा लिखा होता है नोट के ऊपर बट अमेरिका के अंदर ये ऐसा कुछ भी नहीं है इन द नेम ऑफ गॉड कुछ भी छापो तो वहां का जो फेडरल रिजर्व है वो अपने आप में मसीहा है वो अपने आप में दुनिया का 80-90 परसेंट के, के करीब ट्रेड और फॉरेक्स करेंसी रिजर्व कंट्रोल करता है

अमेरिका ने सबको हां भरवाई कि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बनेगा और 45 के बाद से आज तक अगर हम देखने की कोशिश करें पिछले 70, 80 के अंदर डॉलर इतना डोमिनेंट हो चुका है कि लगभग हर कंट्री का ट्रेड चाहे वो कम्युनिस्ट कंट्री चाइना रशिया जैसी कंट्री हो चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी कंट्री हो हर एक कंट्री फॉरन ट्रेड एट्टी एट परसेंट किसमें करती है किसमें करती है

यहाँ पे सेटलमेंट कहीं ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सेटलमेंट कैपिटल फ्लो का सेटलमेंट अगर रुपीज में हो रहा है तभी तो हमारी करेंसी जो इंटरनेशलाइज हो पाएगी तो यहाँ पे क्योंकि हमारा पूरा इंटरनेशनलाइजेशन के अंदर यहाँ पे डॉलर अकाउंट जो है वह मार्केट टर्न के अंदर एट्टी है और इंडिया का वन पॉइंट सेवन परसेंट रुपी दैट इज वाई तो यहाँ पे मिटिगेट करना होगा करेंसी रिस्क को हमको ग्लोबली बिजनेस को ग्रो करने के लिए है ना फॉरन एक्सचेंज के ऊपर डिपेंडेंस को हमको कम करना होगा ठीक है ना क्योंकि ये रेट जो है वो बहुत ही वॉलेटाइल है और ये एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है अमेरिका के फॉरेक्स रिजर्व अमेरिका के जो आ, 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 जो अमेरिका का बैंक है आपके पास में सेंट्रल बैंक उसको क्या कहते हैं आपके पास में फेडरल रिजर्व फेडरल रिजर्व अब ये इंटरेस्ट रेट को इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा या घटाएगा इसके ऊपर पूरा का पूरा डॉलर का फ्लो और डॉलर की रेट डिपेंड करती है तो ये समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे आप कितना भी रिजर्व को मेंटेन कर लो वो हमेशा वॉलेटाइल है वो हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स पे स्टेबल है एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज हुए तो वो वापस अनस्टेबल भी हो जाएगा तो उसकी कॉस्ट तो आपकी इकोनॉमी को भरनी पड़ेगी ना उसकी कॉस्ट तो आपकी इकोनॉमी को भरनी पड़ेगी आई होप दैट यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट सर आर दैट नेक्स्ट ईयर द वर्ल्ड मैन यू इन द डॉलर गो डाउन देखो प्रोजेक्शंस प्रोजेक्शंस के ऊपर खाली शेयर मार्केट चलता है ये कंपनी अच्छा करेगी ये कंपनी बुरा करेगी ये करेंसी अच्छा करेगी वो करेंसी अच्छा नहीं करेगी एज ए लर्नर वी ओनली क्लेम अ थिंग वैन इट इज एग्जिस्टिंग चाहे न्यूज में कितने भी कयास लगाए जाए ओके फाइन दे हैव गिवन एस अ हिंट ओके गुड बट अनटिल अन्लेस दैट हैपन्स कईयों ने कहा था कि कोरोना तो हर साल कोविड आएगा वेव आएगा हर चार महीने में नया वेरिएंट आ जाएगा बट वी हैव सीन द फर्स्ट वेव सेकंड थर्ड वेव एंड देन वी हैव सीन दैट देर इज अ वैक्सीन एंड उसका इम्पैक्ट कम हो चुका है राइट right? तो प्रोजेक्शंस तो कई लोग करते हैं दोस्तों उस प्रोजेक्शंस को जब तक हम रियलिटी में चेक नहीं करते उसका इम्पैक्ट को क्रॉस वेरीफाई नहीं करते वी नीड नॉट मेक एनी कमेंट ऑन दैट आई होप वी आर क्लियर ऑन दैट राइट चल सो वी आर क्लियर ऑन दैट राइट सो so, कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं ये आपकी रीडिंग लिस्ट के लिए मैं डाल रहा हूँ फॉरवर्ड यहाँ पे जो है वे फॉरवर्ड के अंदर भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो इंडिया है वो रुपीस में पे कर सकता है कई करेंसी को उनकी कंट्री में जैसे कि रशिया की रशिया को वो जो है वो रूबल में पे कर सकता है अगर रशिया कुछ लेना चाह रहा है तो वो रुपी में पे कर सकता है इंडिया रूबल में पे कर सकता है एंड दैट इज़ हाउ हम एक दूसरे का पेन समझ के हमारी एक दूसरे की करेंसी को इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं डॉलर पे डिपेंडेंस कम कर सकते हैं ठीक है ना सो यू कैन ऑलवेज डू वॉट यू विश फॉर बट प्लान और कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों आपकी आई होप वी आर क्लियर ऑन दैट सभी लोग क्लियर हैं इस पर दोस्तों जल्दी से एक बार कॉमेंट करके लिखा दो कमेंट करके बता दो कि यस सर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी जो था वो हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट के अंदर रुपी की प्रोपोर्शन को बढ़ाना है इंटरनेशनलाइजेशन करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व करना है लोकल करेंसी को करना है 1.7 परसेंट अभी हमारा है डॉलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रखा है उस पर डिपेंडेंस को कम करना है मॉनिटरी पॉलिसी पे चैलेंज आएंगे शायद आपके पास में कहीं कहीं रुपी कन्वर्टिबिलिटी के ऊपर फॉरेक्स रिजर्व की कन्वर्टिबिलिटी के ऊपर भी चेंज आ सकता है बट वी विल बी क्लियर एंड कंसाइज ऑन दैट वेरी गुड शाबाश मूविंग अड द नेक्स्ट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू डू लर्नर्स इज अम मस्टर्ड जी एम मस्टर्ड क्रॉप ठीक है ना रिसेंटली आपकी जी ई -E सी ए देखिये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं कि जी ई सी ए क्या है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दैट है ना इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको विल राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दैट जीईसीए मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ नाउ यू विल राइट इट एंड यू विल टेल मी दैट अभी जो ये कमिटी है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब कोई भी जो डीएनए के अंदर जो हमारा ये जो डीएनए है इसके अंदर हम कोई भी एडिशन करें कोई नया चीज़ छोड़ा या फिर कोई चीज़ हमने डीएनए के अंदर ऑल्टर किया या फिर कोई फॉरेन जो डीएनए है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया तो जो रिकमेंडेड डीएनए कह दूँ मैं या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग कह दूँ मैं तो इससे कोई भी क्रॉप बनेगी या कोई भी एनिमल मतलब चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो अगर मैं उसका डीएनए चेंज कर रहा हूँ डीएनए एन कर रहा हूँ डीएनए को इंजीनियर कर रहा हूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो उस पर यस और नो करने के लिए हमारे पास में एक कमिटी है जीईसीए ये किसके अंदर काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवियरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है अब इस जी ने हाल ही में क्या क्या है अप्रूवल दिया है कि आप यहां पे आ, सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं कॉमर्शियल रिलीज के लिए किसके लिए एक मस्टर्ड मस्टर्ड पता है आपको सरसों को मस्टर्ड कहा जाता है राई गर्म में राई देखी है मस्टर्ड सरसों उस सरसों को ही और बेटर बनाने के लिए और एक जेनेटिक मॉडिफाइड जीएम मस्टर्ड बनाया गया है अब उस जीएम मस्टर्ड को उगाने के लिए कोई भी प्लांट कैसे उगता है सीड से

तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप जिसको हम कहते हैं जीएम क्रॉप क्या है देखिए जीएम क्रॉप जो है आपके पास में फ्रॉम द प्लांट्स जिनके जीन्स में डीएनए के अंदर हमने आर्टिफिशियली मॉडिफिकेशन किया आर्टिफिशियल मतलब वो नेचुरल होता था अगर नेचुरल ही जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है तो उसको मैं क्या कहता हूं म्यूटेशन है ना सडन एंड नेचुरल चेंज इन द डीएनए इज म्यूटेशन म्यूटेशन कहा जाता है उसको पर आपके पास में इसी का ही दूसरा चीज हो सकता है यूजली बाय इंसर्टिंग अ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म कि हम एक प्लांट में दूसरे प्लांट का डीएनए इंसर्ट कर दें वायरस का डीएनए इंसर्ट कर दिया बैक्टीरिया मतलब कोई भी जीन उस जीन से हमको एक प्रॉपर्टी चाहिए चाहे वाटर रेजिस्टेंट हो फायर रेजिस्टेंट करना हो ड्रॉट रेजिस्टेंट करना हो उसको पेस्ट रेजिस्टेंट करना हो उसको प्रोडक्शन उसकी बढ़ानी हो यील्ड उसकी बढ़ानी हो तो कौन से डीएनए से कौन से जीन से वह बढ़ने वाला है वह चीज चाहे वो प्लांट से मिले एनिमल से मिले बैक्टीरिया फंगस वायरस कहीं से भी मिले मैंने उस डीएनए को निकाला और प्लांट के डीएनए के साथ में डाल दिया है ना अब जितना कहा जा रहा है इतना सिंपल नहीं होता उसके पीछे बहुत सालों की रिसर्च और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज रहती है मैंने खुद ने मास्टर्स इन जेनोमिक साइंस किया तो वी ऑल नो दैट कि यहां पे इसके अंदर बहुत ही कहा जाता है बहुत ही सिंपल होता है जीएम मस्टर्ड पर ये करना बहुत ही मुश्किल होता है ठीक है ना सो so, अब इन ऑर्डर टू गिव द प्रॉपर्टीज जैसे यहां पे हाई बना दी हर्बी के लिए टॉलरेंट करना हो या किसी डिजीज से उसको रेजिस्टेंस बनाना हो ड्रॉट्स से उसको रेजिस्टेंस बनाना हो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करना हो तो हम किसी भी क्रॉप के अंदर जब आर्टिफिशियली मॉडिफाई करते हैं उनके जीन्स को तो उन क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं जीएम क्रॉप क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ एक बार मेरे को लिख के बता देंगे कि जे जे सर ये पॉइंट क्लियर है जीएम क्रॉप हमको समझ में आ चुकी है क्या आप किसी जीएम क्रॉप के बारे में मेरे को बता सकते हैं आज की तारीख में आप एक वर्ड सुनते होंगे गोल्डन राइस

ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड सॉइल बैक्टीरियम टू क्रिएट अ ग्रेन दैट इज एनरिच्ड विद द विटामिन ए तो तीन चीजों से हमने यूज किया एक तो डेफोडिल से यूज किया है फिर मेज से यूज किया है और फिर सॉइल बैक्टीरिया से यूज किया है इन तीनों से एक जीन बनाया हमने और उस जीन को हमने राइस के अंदर डाला उस राइस में डालने से क्या हो गया कि सर इसमें वाइटामिन ए जो है वह इंक्रीज हो गया और इसको हमने बोल दिया गोल्डन राइस गोल्डन राइस तो आई होप ये समझ में आएगा आपको सर काफ़ी प्रोडक्ट में जी एम पी सर्टिफाइड लिखा होता है जी एम पी इज डिफरेंट बेटा ये ये जी ई सी ये हैं जी एम पी अलग है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अलग है ठीक है अब इसके एडवांटेज क्या है कि सर आप देख पाएंगे कि यील्ड बढ़ जाएगी पहले पाँच किलो मिल रहा था अब उसी एरिया से आपको दस किलो बीस किलो अनाज मिलेगा ठीक है ना इट मीन्स दैट आपके सेम प्लॉट लैंड से फार्मर जो है वो नोटिसल भी ज़्यादा क्रॉप को उगा पाएगा स्पेसिफिक क्लाइमेट कंडीशन एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन के अंदर भी वह और अच्छे से ग्रो पाएगी जैसे बारिश हो गई ज्यादा पानी है पर फिर भी क्रॉप खराब नहीं हुई अब कम पानी है ड्रॉट है सूखा है बारिश नहीं हुई पर फिर भी ड्रॉट रजिस्टेंस क्रॉप बना सकते हैं आप लोग तो यहां पे हेल्दी क्रॉप ग्रोथ जो है वह बन सकती हैं ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप बन सकती हैं है ना और मैनुपुलेशन कर सकते हैं सीड की कॉस्ट को है ना ओनली ए फ्यू कंपनीज़ आर इच ऑफ क्रिएटिंग और सेलिंग तो इसके एक डिसएडवांटेज भी हैं कि भैया इतनी अच्छी इतनी प्यारी सी चीज़ है इतनी बेनिफिट वाली चीज़ है पर ये कंपनी जब इस पर रिसर्च करती है करोड़ों डॉलर्स का खर्चा आता है मिलियंस बिलियंस डॉलर्स का खर्चा आता है रिसर्च के ऊपर अब सोचो जो मिलियन बिलियन डॉलर्स का खर्चा आया है क्या वो सिंपली किसी भी ये जो अभी यहाँ पर जो सीड्स बनाए जाएंगे क्या वो सिंपली सबको बांटते हुए चलेंगे नहीं वो उसके लिए क्या रख करेंगे आपके पास में वह कंपनीज आपके पास में जो जीएम मॉडिफाइड क्रॉप क्रिएट कर रही हैं और जीएम मॉडिफाइड क्रॉप बेच रही हैं वो अपनी मोनोपली बनाना चाहेगी इसके अंदर है ना तो इसके कारण यहाँ पे जो सीड्स महंगे मिलेंगे किसानों के पास सस्ते सीड्स जीएम सस्ते सीड्स मिलने के कम चांसेस रहते हैं प्लस यहाँ पर यह है कि आपने इस साल मार्केट से बीज खरीदे और यहाँ पे जीएम क्रॉप उगाई अब आप सोचते हैं कि सर उससे जो बीज मिलेंगे ना एक ही बार तो खरीदने अगली बार उसी क्रॉप में से 100 किलो अनाज हुआ तो 100 किलो में से 10 किलो बचा लेंगे अगले साल के लिए बीज पर नहीं यहां पे याद रखना कि जीएम सीड्स जो होते हैं वह वापस नहीं उगाए जा सकते मतलब आपको नया सीड ही खरीदना पड़ेगा आप क्रॉप को वापस रिसीड नहीं कर सकते है ना तो जीएम क्रॉप के जो सीड होते हैं दे सीड कैन नॉट बी रिप्लांटेड जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड डू नॉट क्रिएट वायेबल सीड ऑफ स्प्रिंग बाई डिजाइन ना? क्योंकि उसमें डिजाइन ही ऐसी बनाई जाती है कि को कोई किसान आपस में खुद से बेसिकली वो सीड ना बना पाए दिस कि हर टाइम आपको जब भी क्रॉप चाहिए होगी तो आपको कंपनी से ओरिजिनल सीड्स ही खरीदने होंगे एनवायरमेंटल कंसर्न भी एक बायोडाइवर्सिटी को खत्म भी कर सकता है हमारे पास जो नेचुरल प्लांट्स हैं उनको खत्म भी कर सकता है फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो हैं वो इंसेक्ट्स को हार्म कर सकते हैं है ना आर नॉट दियर इंटेंडेड टारगेट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पर्टिकुलर पूरे की पूरी इंसेक्ट स्पेसिस खत्म हो सकती है और फूड वेब में तो हर एक चीज हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है तो फूड वेब में भी डिस्टर्ब हो सकता है कहीं ना कहीं आपके पास में डिस्टर्ब हो सकता है दीज आर द पॉइंट्स टू बी अंडरस्टूड अभी जिस जीएम मस्टर्ड क्रॉप को यहां पर इन्होंने अलाउ किया है वह जीएम मस्टर्ड क्रॉप को आप लिख सकते हैं धारा मस्टर्ड हाइब्रिड डी एम एच इलेवन प्लीज राइट इट डाउन इन योर कॉपीज डीएमएच इलेवन क्या है यह है याद रखना है यह ट्रांसजेनिक मस्टर्ड है हाइब्रिड मस्टर्ड है भारत में बनाया है इंडिजीनियसली बनाया गया है इसको याद रखेंगे इसमें क्या नया पॉइंट है हम कहते हैं कि सर हर एक जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप कुछ नई गुण लेके आती है कुछ नए एट्रीब्यूट लेके आती है तो इस जेनेटिक मॉडिफाइड वेरिएंट में डीएमएच इलेवन में क्या नया है कि सर यह हर्बिसाइड टॉलरेंट है हर्बिसाइड्स टॉलरेंट हर्बिसाइड्स आपको पता होगा हर्ब्स क्या होती है जिसको हम कहते हैं खरपतवार कि सर एक जो प्लांट उगाया हमने एक जो हमारा प्लांट उगा उसके पास में जो छोटे 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 प्लांट्स उग जाते हैं ना तो वो क्या करते हैं कि सर न्यूट्रिशनल खींचते हैं और इसके कारण ये प्लांट जो है वो धीरे धीरे डेड होने लगता है तो जो ये हर्ब्स है ना वो धीरे धीरे ऐसा डीएमएच बनाया ऐसा मस्टर्ड बनाया कि यह मस्टर्ड ये डी एम जो है वह इन हर्ब्स या फिर हर्बी अपने आप में ही काम करेगा सर यहाँ पे हबिसाइड्स भी हम जब भी छिटकाव करें इन हबिसाइड्स को इन खरपतवार को हटाने के लिए जब मैं यहाँ पे केमिकल स्प्रे करूंगा तो इससे मेरा मस्टर्ड का प्लांट खराब नहीं होना चाहिए इससे मेरी क्रॉप खराब नहीं है तो क्योंकि हम तो दवाई छिड़कते तो पूरे खेत में छिड़कते हैं ऐसे छोटे 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 एक एक पत्ती हरब के ऊपर तो क्रिएट नहीं कर सकते तो जो हमारी डिजायर्ड क्रॉप है वह प्रोटेक्ट रहे हमारी डिजायर्ड क्रॉप है मस्टर्ड पर दवाई जब छिड़कते हैं हर्बिसाइड जब हम छिड़कते हैं तो वो मस्टर्ड क्रॉप पे भी निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो अब हमने जो ऐसा डीएनए में ही वेरिएशन कर दिया जीन में ही वेरिएशन कर दिया मस्टर्ड के डीएमएच बना दिया धारा मस्टर्ड हाइब्रिड बना दिया कि पे कहीं भी भी कोई भी क्रॉप कोई भी हर्बिसाइड्स वगैरह डाला जा रहा है तो वह हर्बिसाइड्स का कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला आवी क्लियर ऑन दैट सो इट कंटेन्स टू एलियन जीन यहां पर आपके पास में बैरनेज और बैडस्टार बैडनेज और

जी किसके अंतर्गत काम करती है वो समझ में आया हमको सिग्निफिकेंस हमको समझने की जरूरत रहेगी ठीक है दोस्तों शाबाश इससे पहले हमने एक और चीज बनाई थी लेट्स लर्न टुगेदर इससे पहले हमने एक और चीज भी बनाई थी क्या थी आपके पास में बीटी कॉटन बनाया था बीटी मतलब बेसिलस थ्रसिस है ना तो यहाँ पे जो बॉल वर्म करके एक डिजीज होती थी बॉल वर्म करके जो कॉटन क्रॉप्स को खत्म कर देती थी ये डिजीज तो उससे बचने के लिए हमने बीटी कॉटन बनाया जिसको डेवलप किया था महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी महाको और यूएस की एक सीड कंपनी मॉनसेंटो ने किसने मॉनसेंटो ने इसको बीटी कॉटन को बनाया था अब 2002 में जी ने जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूजल कमेटी है ना जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करती है उसने 2002 में मतलब आज से 20 साल पहले दो डेकेड पहले अप्रूवल दिया था जैसे अभी डीएमएच इलेवन के लिए अप्रूवल दिया है, हाइब्रिड मस्टर्ड के लिए अप्रूवल दिया दो आज से बीस साल पहले इन्होंने अप्रूवल दिया था जीईसीए ने अप्रूवल दिया था बीटी कॉटन के लिए भी कि सर आप कॉमर्शियल कल्टीवेशन कर सकते हो छह राज्यों में कहा साउथ में आंध्रा फिर गुजरात फिर कर्नाटक एमपी महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर पर यहां पे याद रखना है भारत में अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी पहली और कौन सी ट्रांसजेनिक क्रॉप है जो भारत में उगाई गई द फर्स्ट क्रॉप द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप

क्या इस पॉइंट को याद रख सकते हैं ऑल ऑफ अस कैन वी डू दैट यस सर किस कंपनी ने बनाया था मॉनसेंटो ने किसके साथ मिलकर बनाया मेहाइको महाको स्टैंड फॉर महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी 2002 में अप्रूवल दिया गया है इसको फिर बीटी टी ब्रिंजल भी बनाया हमने जो है ब्रिंजल आप देखते हो ब्रिंजल खाते भी हो घर पे तो यहां पे फिर महाको वही महाराष्ट्र हाइब्रिड महाराष्ट्र यहां पे हाइब्रिड सीड कंपनी मोहाको जो है इन्होंने फिर बीटी टी ब्रिंजल भी बनाया वो धारवाड यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस और तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर के बीटी ब्रिंजल बनाया फिर 2007 में जीईसीए ने पे रिकमेंडेशन किया कि सर रिलीज कर दो बीटी ब्रिंजल को है ना फिर 2007 में तो ओके कर दिया पर 2010 के अंदर 2010 के अंदर इसको वापस ब्लॉक कर दिया ये इनिशिएटिव जो है इट वॉज ब्लॉक्ड बाई जीईसीए कि नहीं बीटी ब्रिंजल सेफ नहीं है बीटी ब्रिंजल इज नॉट सेफ तो बी टी आज की तारीख में उगाया नहीं जाता ठीक है ना पर बीटी कॉटन आज भी उगाया जा रहा है आपके पास में चलो क्या ये पॉइंट क्लियर हुए इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीस के बाद में आपने दूसरा पॉइंट कल्टिवेशन ऑफ दस्टर्ड डीएमएच इलेवन डीएमएच इलेवन धारा मस्टर्ड हाइब्रिड इलेवन इट इजीसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड राइट एंड यू नीड टू नो इट इज इंडिजीनियस ट्रांसजेनिक मस्टर्ड क्या इसका कॉमर्शियल कल्टीवेशन अलाउ किया है नो no, सर इसका कॉमर्शियल कल्टीवेशन अलाउड नहीं किया है अभी इसके लिए शाबाश वेरी गुड आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टैंडिंग ऑन वट इज जी ए विच मिनिस्ट्री वट इज परमिशन बीन गिवन वट आर जी एम क्रॉप एंड वट आर एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड अभी जिस जीएम क्रॉप की बात कर रहे हैं जीएम मस्टर्ड डी एम एच इलेवन उसकी फुल फॉर्म क्या है उसमें कौन कौन से एलियन जीन्स यूज किए गए हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है जीएम क्रॉप इसके पहले कौन सा था भारत में सबसे पहले कौन सा जीएम क्रॉप अलाउ किया गया है उसके बाद में कौन सा अलाउ किया गया था किसको ब्लॉक किया है किस कंपनी ने बनाया है और भारत की तरफ से कौन इन्वॉल्व रहा है आर वी ऑल क्लियर ऑन दैट क्या आपके इजिल फाइव क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं दोस्तों यस इन डीड इट कैन बी सो यू बी प्रीपेयर यू बैडर बी प्रिपेयर फॉर द सेम राइट लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पाकिस्तान इज रिमूव फ्रॉम एफ ए टी एफ ग्रे लिस्ट देखिए एफ ए टी एफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं इंटरनेशनल वॉचडॉग है है ना इट लुक्स आफ्टर इट टेक्स केयर ऑफ हु आर ऑल आर इन्वॉल्व इन द टेरर फीनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज यहाँ पे इसकी जो लिस्ट है ग्रे लिस्ट है और ब्लैक लिस्ट है है ना तो इसके अंदर ग्रे लिस्टेड कंट्रीज में पाकिस्तान काफी लंबे टाइम से लिस्टेड था और पाकिस्तान को यहाँ से भी रिमूव किया गया है लिस्ट ऑफ द कंट्रीज अंडर द ग्रे लिस्ट और ग्रे लिस्ट को दूसरी नाम क्या दिया जाता है द लिस्ट द लिस्ट ऑफ कंट्रीज अंडर इंक्रीज इंक्रीज मॉनिटरिंग इंक्रीज मॉनिटरिंग मतलब इन बहुत ही ज़्यादा नजदीक से ध्यान रखा जाता है क्या आप अभी भी टेरर फंडिंग में टेरर फाइनेंसिंग में हैं दीज आर ऑल द पॉइंट्स दैट टू बी टेकन केयर अदर नेबर जो है आपके पास में में ऑन द ग्रे ग्रे लिस्ट लिस्ट और कौन कौन से हैं म्यांमार वॉज मूव टू द ब्लैक लिस्ट list, है ना देखो दोनों के दोनों ही ग्रे लिस्ट में थे पाकिस्तान भी और म्यांमार भी दोनों ही ग्रे लिस्ट में थे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया और म्यांमार को तो ग्रे लिस्ट से नीचे और भी नीचे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया क्योंकि यहां पे मिलिट्री लीडरशिप है दो से और वो डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है और इसी FATF है के कारण ने पे इन्वेस्टमेंट दृष्टिकोण से इन्वेस्टमेंट आगे आगे नहीं ट्रेड आगे नहीं बढ़े बढ़े ट्रेड वो फाइनेंशियली ना हो पाए उनकी फंडिंग को रोकने के लिए यहां पे क्या बना दिया है? इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया तो कौन सी कंट्री को एफ की ग्रे लिस्ट से हटाया गया पाकिस्तान कौन सी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाला गया म्यांमार सो यू रिमेंबर दीज पॉइंट्स एफ एफ क्या है आपके पास में फ एफ एक जो है आपके पास में वॉच डॉग है वॉच डॉग का क्या मतलब होता है आपके पास में संरक्षक निरीक्षक ध्यान रखने वाला किस पे कि जो ग्लोबल लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है हवाला का बिजनेस हो रहा है टेरर को जो फंडिंग और फाइनेंसिंग की जाती है वो कौन कर रहा है कैसे कर रहा है कौन सी कंट्रीज कौन सी एजेंसीज और एंटिटीज इन्वॉल्व है उसके ऊपर एफ पूरा ध्यान रखता है कैन वी ऑल रिमेंबर दिस पॉइंट तो यहाँ पे इट ऑल्सो एम्स टू काउंटर जो आपके पास में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिसको हम क्या कहते हैं डब्ल्यू ओ एमडी को भी यहाँ पे रोकने के ऊपर ये काम करता है अच्छा -E -E को बनाया कब क्या था? 1989 में बनाया कब गया में कौन ऑर्गेनाइजेशन से जी सेवन ने बनाया था यहाँ पे पेरिस में मीटिंग हुई नाइनटीन एटी नाइन में क्यों हमको एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को रोकने की जरूरत है है ना यहाँ पे कहीं के टेरर फंडिंग हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको रोका जा सकता है तो बिल्कुल तो यहाँ पे आपके पास में ओपैक ओ ओपेक नहीं ओईसीडी ओईसीडी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना को मदद करती है कहीं ना कहीं आपके पास में काफी सारे कंट्रीज हैं अमेरिका के अंदर हैं पैसिफिक के जो कंट्रीज हैं इसके अंदर इंडिया भी ओईसीडी का पार्ट है तो 38 नेशंस जो हैं इसमें इन्वॉल्वड हैं 38 नेशन जो हैं इसमें इन्वॉल्वड हैं

थर्टी सेवन तो जो कंट्रीज हैं और दो जो हैं आपके पास में बड़े बड़े रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि एक है यूरोपियन कमीशन एक है यूरोपियन कमीशन और एक है जी ई सी गल्फ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जी सी सी ठीक है ना तो दो तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो गए और सैंतीस कंट्रीज हो गए और टोटल मेंबर कितने हो गए थर्टी नाइन टोटल मेंबर तो याद रखना अगर क्वेश्चन आपका ये पूछता है जयंत इश्योर क्वेश्चन इज There are how many countries in the OEC? Uh, there are how many countries in the FATF? Your answer will be 37 countries, sir. There are how many members? Asta, there are how many members of FATF? You will write, sir, 39 members are there.

खाली ऑब्जर्वर स्टेट है इट कम्स इट सेट्स इट वॉक्स एंड इट टॉक्स दैट्स इट इसका कोई भी यहाँ पे रोल नहीं देखने को मिला है दोस्तों राइट right? इंडिया भी जो है 2006 में ऑब्जर्वर स्टेटस पे था पर 2010 से ही एक फुल मेंबर है तो इंडिया इज अ फुल मेंबर यस सिंस व्हेन 2010 सिंस व्हेन 2010 सो यू रिमेंबर दैट यूरोपियन यूनियन का ही एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूरोपियन कमीशन यूरोपियन यूनियन का ही एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूरोपियन कमीशन जब आप देखेंगे, Union, की, तो उसके पे उनके पार्लियामेंट भी है जैसे कि एशिया पेसिफिक ग्रुप है और एशिया पेसिफिक ग्रुप जो है ना तो टी एफ पूरी दुनिया में काम करता है ना एफ तो पूरी दुनिया में काम करता है एशिया में जहां पे काम कर रहा है तो यहां पे एशिया पेसिफिक ग्रुप होगा कहीं ना कहीं वो यूरोपियन और एशियन रीजन में काम करता है तो यहाँ पे यूरोपियन एशिया ग्रुप होगा आपके पास में यूरेशियन ग्रुप होगा तो इन दोनों ही ग्रुप का जो है इंडिया पार्ट है तो इंडिया इज अ फुल मेंबर सिंस 2010 तो टी एफ की मीटिंग होती है प्लेनरी सेशन होते हैं और इस बार प्लेनरी सेशन हुआ था बर्लिन के अंदर बर्लिन जर्मनी के अंदर यह सेशन हुआ था इसको याद रखना है आपको पूछा जा सकता है जर्मनी के अंदर यह सेशन हुआ था आपके पास में डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है उसको कहा जाता है एफ प्लेनरी तो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स जो हैं कंट्रीज के वो सब यहां पे मिलते हैं ठीक है ना याद रखना है ट्राई ट्राई एनुअली एनुअली का क्या मतलब हुआ हर चार -चार महीने से इनकी मीटिंग होती है हर चार चार महीने से इनकी मीटिंग होती है लास्ट मीटिंग इनकी हुई थी सिक्स मंथ के अंदर उसके बाद में अभी अक्टूबर टेंथ मंथ में हुई है फिर वापस इनकी फेब्रवरी मतलब सेकंड मंथ ऑफ द ईयर के अंदर वापस मीटिंग होगी तो क्या आप याद रख सकते हैं यह जर्मनी में मीटिंग हुई थी अभी वापस एक मीटिंग हुई और यहाँ पे इसको बाहर निकाला गया अभी यहाँ पे एक और फरवरी में और मीटिंग होगी तो एफ की मीटिंग जो है यहाँ पे म्यूचुअल इवेल्यूएशन रिपोर्ट्स होती हैं म्यूचुअल इवेल्यूशन रिपोर्ट्स होती हैं है ना तो कंट्री खुद रिव्यू करती है कि हमको टेरर फंडिंग को रोकने के लिए हम क्या कर भारत क्या कर रहा है पाकिस्तान क्या कर रहा है तो हर कंट्री अपनी रिपोर्ट्स देता है म्यूचुअल इवेल्यूएशन रिपोर्ट देता है और उन म्यूचुअल रिपोर्ट को बेसिकली क्रॉस वेरीफाई किया जाता है तो फेबर जून और अक्टूबर में इनकी मीटिंग्स होती हैं म्यूचुअल इवोल्यूशन रिपोर्ट्स को रिव्यू किया जाता है और यहाँ पे कहीं भी किसी कंट्री के अंदर मेजर डेफिशिएंसीज मिलती हैं कि सर वह अपना जो भी काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फंडिंग को नहीं रोक पा रहा है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को नहीं रोक पा रहा है वह तो कहीं ना कहीं उसको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है फिर इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट में फिर उसको बोल देते हैं ग्रे लिस्ट फिर भी वो कंट्री करती रहे वो काम टेरर फंडिंग को ना रखे तो ब्लैक लिस्ट अभी कौन गया ब्लैक लिस्ट में म्यांमार ठीक है ना तो यहाँ पे इंक्रीज मॉनिटरिंग को ग्रे लिस्ट लिखा गया आपके पास में अगर वो FATF के कंसर्न्स को एड्रेस करने में फेल हो गया तो उसको हाई रिस्क यानी ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा अनिरुद्ध पे क्वेश्चन क्या बनेगा आप अपने पास में आर आर टू दैट वी हैविंग राइट नाउ पहला क्वेश्चन बनेगा आपके पास में ब्लैक लिस्ट से आप क्या समझते हैं राइट ब्लैक लिस्ट के तीन चार ऑप्शन दे देगा ब्लैक लिस्ट इज हाई रिस्क ज्यूरिस्टिक्शन कंट्रीज है ना उनका लिस्ट ग्रे लिस्ट का क्या हो गया इंक्रीज इंक्रीज मॉनिटरीज है ना अंडर मॉनिटरिंग तो इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं पे पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और यहां पे कॉम्बैट करना है टेरर फाइनेंसिंग फा, से तो यह भी इंपॉर्टेंट इसका काम रहता है तो एफ को बहुत ही अच्छे से समझा जाना है हमने और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला है क्योंकि कुछ टास्क दिए थे वो कंप्लीट किए इसने और हमने किसको डाल दिया अब म्यांमार को म्यांमार को डाल दिया है

प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द एस्कटिंग इम्पैक्ट ऑफ द हीटवेवस या किस तरीके से हम बच्चों को हीट वेव्स के इंपैक्ट से बचा सकते हैं शोइंग दैट नियरली ऑल द चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड विल बी एक्सपोज टू मोर फ्रीक्वेंट एंड सिवियर हीटवेव क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है हीट वेव्स बढ़ने वाली हैं 2050 तक सभी बच्चे कहीं न कहीं इसकी चपेट में आ सकते हैं तो यूनिसेफ क्या है एक स्पेशल प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का क्या काम करता है यह एक स्पेशल एफर्ट रखता है कि जो भी हर नेशन कहीं न कहीं हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन और वेलफेयर के ऊपर बच्चों की हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन वेलफेयर पे जो काम करता है उसके काम में उसकी मदद करें कोई कंट्री अगर यहाँ पे इस पढ़ा रही है बच्चों को और बेहतर पढ़ाए कोई बच्चों के न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रही है और बेहतर कैसे करे कोई बच्चों की वेलफेयर स्कीम के लिए काम करी कोई बच्चों की हेल्थ के लिए काम करे और बेहतर कैसे करे उसको एड करना तो यहाँ पे ये डिवोटेड है यूनिसेफ डिवोटेड है नेशनल एफर्ट्स को एड करने के लिए उन एफर्ट्स के अंदर थोड़ा और बेहतरी लाने के तो अभी करंट सिनेरियो क्या है कि लगभग 550 मिलियन से ज्यादा बच्चे जो हैं वो हीट वेव्स को एक्सपोज होने वाले हैं 600 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे जो हैं आपके पास में आर एक्सपोज टू वन ऑफ द थ्री अदर हाई हीट मेजर्स तो यहाँ पे हाई हीट ड्यूरेशन हाई हीट वेव सिवियरिटी और एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में ये लोग रहते हैं है ना वन इन फोर चिल्ड्रन लिव इन द एरिया जहाँ पे एवरेज हीटवेव इवेंट जो है लगभग चार से पाँच दिन से ज़्यादा थे 2020 के अंदर तो यहाँ पे ये यह भी बताया जा रहा है कि अंडर द लो एमिशन सिनेरियो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है कंट्रीज़ के बारे में फ्यूचर इम्पैक्ट्स के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हो सकता है बच्चों की एजुकेशन और लाइवलीहुड इम्पैक्ट कर सकती हैं उनकी हेल्थ इम्पैक्ट कर सकती हैं क्योंकि हीट के बढ़ने से बेसिकली क्या होगा स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रोक बढ़ेंगे एलर्जी बढ़ेगी रेस्पिरेटरी सांस की बीमारी बढ़ेगी मॉस्किटोज गर्मी में पैदा होते हैं उनसे डिजीज़ पैदा होगी कार्डियोवेस्कुलर डिजीज हो सकती है अंडर न्यूट्रिशन और डायरिया भी हो सकता है बच्चे प्लेंटी ऑफ द थिंग और उन्होंने रिकमेंडेशन किया ये करो वो करो ठीक है ना तो ये सारी चीजें याद रख सकते हैं एक और जो इंडेक्स यूनिसेफ जारी करता है बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड चिल्ड्रन्स क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किस तरीके से जो है वो रैंक करता है कि क्लाइमेट के चेंजेस के कारण किस तरीके से एन्वायरमेंटल शॉक्स को एक्सपोज हो जाएंगे हमारे बच्चे

प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के टू हैव द इमेज ऑफ द लक्ष्मी एंड भगवान गणेश ऑन द न्यू करेंसी नोटर कर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए इंडिया हैज लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ द इमेज ऑफ द गॉड एंड गोडेस यहाँ पे कुशाण वंश जो थर्ड सेंचुरी ए डी थर्ड सेंचुरी ए डी के अंदर भी जो था वो सबसे पहले थे गॉडेस लक्ष्मी को कॉइन्स के ऊपर यूज करने वाले है ना तो यहाँ पे दिस कैन बी द क्वेश्चन है ना विच विच रूलर्स और अंडर इन विच इयर और इन विच सेंचुरी और विच गॉड राइट सो कुशाणास थर्ड सेंचुरी एडी दे और फर्स्ट टू यूज द इमेज ऑफ द गॉड इज लक्ष्मी ऑन यर क्वनिज सिस्टम तो यहां पर हिस्ट्री क्या रही है

राइट सो देसिफाइड इंटू टू पीरियड्स के टाइम में दूसरा है मोरियन टाइम के ठीक है ना सो so, यह सारी की सारी चीजें डायनेस्टिक कॉइन्स भी कहां पर थे इंडो ग्रीक कॉइन्स के अंदर क्या था कुशाणास थे आपके पास में किस तरीके से वो सेंट्रल एशियन टाइम के अंदर बुद्धा के टाइम के अंदर बेसिकली जो है वो बुद्धा को भी यहाँ पे यूज करते थे काइंस के अंदर सतुआनाज जो आए आपके पास में थर्टी बी के आसपास में उन्होंने भी सिल्वर काइंस को इश्यू किया था है ना वो किस तरीके से जो है हॉर्स लॉयंस एलिफेंट्स वगैरह को सिल्वर कॉइंस में यूज़ किया करते थे ठीक है और आर प्लेंटी ऑफ द टीम फिर आता है गुप्ता गुप्ता के ट्रेडिशन के अंदर कहीं के जो कहीं जो है कई भगवानों की डिटीज़ की फोटोज़ थी आपके पास में ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा जाता था वहाँ पे है ना और सबसे इंपॉर्टेंट है समुद्र गुप्त का टाइम कुमार गुप्त का टाइम जहाँ से यहाँ पे कॉमेमोरेट करने के लिए जो डायनेस्टिक सक्सेसन होता था समुद्रगुप्त गुप्त टू है चंद्रगुप्त टू है फिर आ गया आपके पास में समुद्रगुप्त गुप, चंद्रगुप्त है कुमारगुप्त इनके सक्सेशन डायनेस्टिक सक्सेशन को भी कॉमेमोरेट करने के लिए सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स मैरिज को लेने के लिए सेक्रीफाइस को लेने के लिए पर्सनल एक्मेंट को बनाने के लिए भी जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं उनको भी शो करने के लिए कहीं इन्होंने इसको यूज़ किया था ब्रिटिशर्स आए ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास प्रेसिडेंस में सबसे पहली बार जो है मिंटेड कॉइन्स को लेबल किया था है ना थ्री स्वामी पगोडा एज विच डिपिक्ट लॉर्ड बालाजी फ्लैंक्ड बाय श्रीदेवी एंड भूदेवी तो ये देख सकते ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो उस वक्त आई थी हमारे पास में है ना मद्रास प्रेजिडेंसी में उन्होंने भी जो कॉइन बनाए थे उसमें भी क्या थे आपके पास में थ्री स्वामी पगोडास थे आपके पास में डिपिक्टेड लॉर्ड बालाजी थे और उसके पास में श्रीदेवी और भूदेवी थे तो एंशियंट काफी सारा हमारे पास में कॉइनिज सिस्टम देखने को मिला है एक्सक्यूजेज डोंट गेट द रिजल्ट वेरी गुड एंड वेरी राइट थिंग टू से सर एंड मैम रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कहीं ना कहीं एक और चीज आई है अभी रिसेंटली जो है वुमेन रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कितनी वीमेंस हैं मतलब कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वह विमेंस हैं इसके ऊपर बात की गई कि सर न्यूजीलैंड की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे 50 परसेंट से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज़ जो हैं वह विमेन्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यानी अपने पास में न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में पहले 50 परसेंट से कम थे अब ये कह रहे हैं कि 50 परसेंट का क्राइटेरिया हम क्रॉस कर चुके हैं इससे आगे यू के अंदर जो एम हैं यू के अंदर एम जो हैं देखो यूनाइटेड अरब अमीरात हम कहते हैं कि सब बहुत ही स्ट्रिक्ट बट सोचो वहां पर भी एग्जैक्टली exactly फिफ्टी क्या है विमेन लेजिस्लेचर विमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैक्सिको के अंदर है सबसे ज्यादा कहां पे रवांडा क्यूबा है ना ने, आ, और नैक्रेगुआ यहां पे मैक्सिको वगैरह यहां पे ऑलरेडी 50 परसेंट से ज्यादा है यूएसए में कितना है आपके पास में यूएसए में 27 परसेंट मतलब वन फोर्थ ऑलमोस्ट है ना चार में से एक वन बाई फोर लगभग आपके पास में यूएसए के अंदर विमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं ग्लोबल एवरेज भी लगभग ये 25-26 परसेंट का भी है ठीक है ना यूएसए में इतना है पर क्या इंडिया में भी इतना है न्यूजीलैंड की जो तो पार्लियामेंट है वो तो क्रॉस कर चुकी है फिफ्टी फीमेल रिप्रेजेंटेशन को है ना तो 1893 में न्यूज़ीलैंड फर्स्ट नेशन टू वोट तो पहली कौन सी कंट्री न्यूजीलैंड तो क्या ये बन सकता? का? Yes. तो पे और कौन सी कंट्रीज हैं आपके पास में क्यूबा मैक्सिको ना यू आज की तारीख में ट्वेंटी ग्लोबल एवरेज है लॉ मेकर जो है उनके रिप्रेजेंटेशन का अगर हम बात करें इंडिया के सीनेरियो में तो इंडिया के सिनेरियो में अगर मैं बात करूं आपके पास में टोटल एमपीज़ हंड्रेड एमपीज में से सिर्फ पॉइंट परसेंट ही हमारे पास में क्या है फोर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट भी हमारे पास में क्या है विमेन रिप्रेजेंटेशन है दैट्स इट और यहां पे दो हजार इक्कीस की अगर मैं बात करूं तो वेमेन रिप्रेजेंटेशन और कम हो गया टेन पॉइंट फाइव हो चुका है टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कम हो चुके हैं एम एल की बात करूं स्टेट्स के अंदर तो वो और भी 10 ही, ग्लोबल एवरेज है 26 तो, और रवांडा जैसे कंट्रीज में फिफ्टी परसेंट से भी ज्यादा है और इंडिया की जा रहा है पिछहत्तर साल आजादी के बाद भी वीमेंस का रिप्रेजेंटेशन जो है लोकसभा के अंदर वह दस परसेंट से भी ज्यादा नहीं बढ़ चुका है यह कहीं कहीं विचार का मुद्दा है जेंडर स्टीडियो के बारे में फिर बताया क्या सर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है पॉलिटिक्स के अंदर और इतना कंपटीशन सस्टेन नहीं कर पा रही हैं क्या रैशनली किस तरीके से हम वुमेन रिजर, रिजर्वेशन को को बढ़ावा दें की सीट्स को किस तरीके से बढ़ाएं ताकि यहाँ पे एक इवन चांस रहे वुमेन्स को भी सीट्स जीतने का क्या पॉलिटिकल एजुकेशन देने की जरूरत है उनको या क्या वहां पर पॉलिटिकल राइट्स उनको बराबर दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे इस इसे भी प्रश्न चिन्ह बताए जा रहे हैं आपके सामने राइट Be stronger than your excuses. Last in the line is काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं they are coming up the states to have the nia office by 2024. yahan pe recently yahan यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय ने कहा है कि सारे स्टेट्स के अंदर एन के ऑफिस खुलेंगे दो हजार तक है ना ताकि हमारी एक स्ट्रैटेजी है काउंटर टेररिज्म टेररिज्म को रोकने के लिए

काफी सारे एरियाज को हाईलाइट किया गया कि सर जो हैं स्टेट्स को अर्ज किया गया है कि वो नेट ग्रिड को सबसे ज्यादा यूज करें है ना काफी सारे स्टेट जो है वो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड को नहीं यूज करती उसका ऑपरेशनल बहुत ही लो है और नेट ग्रिड जो है आपके पास में इट ब्रिंग्स डेटा बेस ऑफ इलेवन एजेंसी टू ए कॉमन प्लेटफॉर्म ग्यारह एजेंसीज का प्लेटफॉर्म का सारा का सारा यहाँ पे नेट ग्रिड इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट गवर्नमेंट भी इसको यूज करें रिवैंपिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पार्लियामेंट जो है बहुत ही जल्दी यहां पे क्या विद अमेंडमेंट इन आईपीसी से भारत के पार्लियामेंट में अभी भी जल्दी हम नए अमेंडमेंट उसमें लेके आएंगे उसको पार्लियामेंट में लाया जाएगा नए चेंजेस के साथ में रेलेवेंस बढ़ेगी और वन डेटा वन एंट्री की यहाँ पे बात की जा रही है कि किस तरीके से हम इंश्योर करें बॉर्डर कोस्टल सिक्योरिटी को क्या कोऑर्डिनेट कर सकते हम सेंट्रल एजेंसीज सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में किस तरीके से हम जो ऑप्टिमल हमारे रिसोर्सेज को रैशनली यूटिलाइज कर सकते हैं नेशनल और इंटीग्रल इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तो काफी सारे चैलेंजेस की यहाँ पे बात की जा रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की यहाँ पे बात की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन को सॉल्व करने की बात की जाती है पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात की गई है प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन और एथिक्स की यहाँ पर बात की गई है दैट्स इट ठीक है ना तो एम के रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं दोस्तों गैप रिपोर्ट की अभी जो रिपोर्ट आई है आपको पता होना चाहिए कि अभी सी होने वाला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सेवन सी ओ होने वाला तो यहाँ पे इससे पहले यूएन ईपी यूनाइटेड नेशन एनवाइ प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट रिलीज की है एमिशन गैप रिपोर्ट है ना इसका टाइटल रहा है द क्लोजिंग विंडो क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज राइट और यहाँ पे ये थर्टींथ एडिशन है एमिशन गैप रिपोर्ट का वो जारी किया गया है एमिशन गैप रिपोर्ट क्या है आपके पास में ये गैप को एंटिसिपेट करती है कितना गैप है कि एंटिसिपेटेड एमिशन इन द 2030 लेवल कंसिस्टेंट विद द 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड 2 डिग्री टारगेट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट क्या सर जो पेरिस एग्रीमेंट है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या है हमारे पास में कि बाय एंड ऑफ द सेंचुरी हम कार्बन एमिशंस को रोकेंगे कम करेंगे क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने की कोशिश करेंगे या फ्रीज करने की कोशिश करेंगे उसके लिए जो आज की तारीख में हम जितने कार्बन एमिशन कर रहे हैं उसको रोकने की उसको हॉल्ट करने की आवश्यकता है बट क्या सपोज हमको यहां पे डिक्रीज करना है सेवेंटी परसेंट कार्बन इमिशन बट क्या आप सेवेंटी परसेंट की जगह रिड्यूस करें टेन परसेंट ही तो उसमें गैप कितना है आपका टारगेट है सेवेंटी परसेंट रिड्यूस करना आप रिड्यूस करें टेन परसेंट तो आपका गैप कितना है सिक्सटी परसेंट इसको एंटिसिपेट करता है हर बार ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यू का थर्टीन रिपोर्ट आया है अभी जो है वापस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है जो भी पेरिस एग्रीमेंट के अंदर इन्वॉल्व है उन सबका तो यहाँ पे ये यह रिपोर्ट जो है फीचर करती है किस तरीके से हम एक रियलिटी चेक दे रही है एंटिसिपेशन बता रही है सब कंट्रीज को टॉप सेवन लिमिटर्स में चाइना यूरोपियन यूनियन इंडिया ब्राज़ील इंडोनेशिया रशिया यूएसए को रखा गया है प्लस ये काफ़ी सारे यहाँ पे बताया गया कि जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट होता है ना उसके कारण 55 परसेंट ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन होता है ठीक है ना तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है पेंडेमिक लेवल और उसके बाद के एनालिसिस वगैरह इसमें दी गई हैं दोस्तों आपको आई होप दैट दिस इज़ ऑल फॉर टुडे और आइडियाज़ को रियलिटी में चेंज करने के लिए आप सभी को एक काम करना होगा और वो काम ये रहेगा दोस्तों आज से आपका कि आप इन चीज़ों को खाली पढ़ेंगे ही नहीं इन चीज़ों को साथ साथ में लिखेंगे भी और रिवाइज भी करने वाले हैं नई चीज़ें सीखनी है बट पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ किए बिना कहीं भी मुक्ति नहीं मिलेगी सफलता नहीं मिलेगी आई होप दैट ये सेशन आपको बहुत ही बेहतरीन रूप से हेल्प किया होगा और कहीं ना कहीं ये मदद भी करेगा आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो यू कैन ऑलवेज़ रीच आउट टू मी ऑन दिस व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर एंड ऑन दिस टेलीग्राम हेल्पलाइन नंबर यू कैन ऑल्सो कॉमेंट इन द कॉमेंट लाइक कॉमेंट बिलो राइट ऑल क्लियर थैंक यू क्लास जय हिंद सर्वदा शक्तिशाली गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू